हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 10th। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है जो कि थर्ड पार्ट के जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, थर्ड के दो पार्ट बचे हुए थे, वो बचे हुए पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। एक्सरसाइज कौन सा है आपका, एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। चलिए देखते हैं क्या गिवन है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ए फ्रैक्शन 9/11 बनेगा इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करेंगे, टू ऐड करेंगे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, ये बोल रखा है। इसके बाद क्या बोल रखा है, इफ थ्री इज एडेड, अगर थ्री ऐड करेंगे टू बोथ किसमें, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। यानी कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। और वही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब हम लोग 3 ऐड करेंगे, दोनों में 3 ऐड करना है, 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। तो वो फ्रैक्शन क्या है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ एंडिंग भी लिखा है कि अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, भिन्न 9/11 बन जाएगा। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, भिन्न 5/6 बन जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना हम लोग, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा सॉल्यूशन। लेट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन ठीक है ना। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या मान लिया हम लोग, एक्स और वाई, ठीक है ना। तो माना क्या लिखना है, माना किसी भिन्न का अंश और हर क्रमशः एक्स तथा वाई है। अच्छा, एक्स और वाई है, ठीक है ना, ये मान लिया हम लोग। तो भिन्न क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, यानी कि अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए केस बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहाँ दो कंडीशन लगा रखा है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी क्या लिखना है आपको, प्रथम शर्तानुसार। चलिए देखते हैं प्रथम शर्त अनुसार क्या बोल रखा है। बोल रखा है यदि अंश और हर में, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। तो न्यूमिनेटर क्या है, x, और डिनोमिनेटर क्या है, y। क्या दोनों में 2 ऐड करेंगे, तो लीजिए दोनों में 2 ऐड कर दिए तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। तो ये फ्रैक्शन बन गया 9/11, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 11x और 11 2 जा 22। 9 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 9y प्लस 9 2 जा 18 हो गया। अब 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 प्लस 22 इधर आएगा तो माइनस 22। 11x माइनस 9y इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो माइनस 4 आ गया, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ये मिल गया हम लोग को क्या, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन में देखते हैं क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे
द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार अब क्या कह रखा है, कह रखा है अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, तीन, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, तीन, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री, दोनों में क्या जोड़ दिए, तीन जोड़ दिए, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा फाइव बाई सिक्स, भिन्न क्या हो जाएगा फाइव बाई सिक्स, तो देखिए ये बन गया क्या फाइव बाई सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सिक्स एक्स प्लस सिक्स थ्री जा एटीन, फाइव वाई और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव का थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई, या ऐसे ही रहने दीजिए सबको इधर ले आइए, इक्वल टू फाइव वाई अपनी जगह पे है, ठीक है, एक बार हम लोग इसको ये माइनस फाइव वाई हो जाएगा प्लस फाइव वाई इधर आएगा तो माइनस फाइव वाई, और ये क्या हो जाएगा फिफ्टीन और माइनस एटीन हो जाएगा, तो सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई, सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को दूसरा भी इक्वेशन मिल गया, अब क्या करना है हम लोग को प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो क्या करेंगे किसी एक से किसी एक की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं, इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए इससे अगर x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो सिक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव वाई, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव वाई अपॉन सिक्स हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, ये इसको बना लीजिए आप इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करना है आपको, तो आप लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं क्योंकि सेकंड से निकालना है x की वैल्यू कहाँ से निकालें सेकंड से, तो रखना किस में पड़ेगा फर्स्ट में, सेकंड में ही नहीं रखना है, ठीक है ना, तो ये पूरा उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो इलेवन इन ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस फाइव वाई अपॉन सिक्स और फिर माइनस नाइन वाई माइनस फोर, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस थर्टी थ्री हो जाएगा और प्लस फिफ्टी फाइव वाई हो जाएगा, और अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो नाइन सिक्स फिफ्टी फोर वाई अपॉन सिक्स इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसको सॉरी इलेवन फाइव से फिफ्टी फाइव, यहाँ क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव वाई, फिफ्टी फाइव वाई, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए माइनस थर्टी थ्री, माइनस थर्टी थ्री और माइनस फिफ्टी फाइव में से फिफ्टी फोर गया क्या आएगा वाई आएगा तो प्लस वाई, ठीक है ना, इक्वल टू सिक्स जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा तो माइनस ट्वेंटी फोर, क्लियर है। चलिए अब देखिए वाई इक्वल टू कितना जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर और प्लस थर्टी थ्री, ठीक है ना, तो वाई इक्वल टू अब ये कि क्या कीजिए 24 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा 639 यानी कि 9 आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। अब y की वैल्यू आप क्या करोगे, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में पुट कर दे थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में, यानी कि y का मान समीकरण तीन में रखने पर, लिख लीजिएगा y का मान समीकरण तीन में रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू नाइन अपॉन सिक्स, तो x बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव में से थ्री जाएगा कितना आएगा फोर्टी टू, फोर्टी टू बाई सिक्स हो गया, तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, x की वैल्यू क्या हो गई सेवन, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको सेवन मिल गई, ठीक है ना। अच्छा अगर x की वैल्यू सेवन मिल गई तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं hence fraction will be क्या हो जाएगा fraction x upon y यानी कि सेवन upon नाइन, क्या हो जाएगा fraction सेवन upon नाइन, ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है ना, यानी कि आप क्या लिखोगे अतः भिन्न सात बटे नौ होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए सिक्स पार्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का सिक्स पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, फाइव ईयर्स हेंस, फाइव ईयर्स हेंस का मतलब आफ्टर फाइव ईयर्स या फाइव ईयर्स लेटर, ठीक है ना।
द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन. जो जैकब का एज होगा वो सन की एज का क्या हो जाएगा, थ्री टाइम्स. जैकब का जो एज होगा वो सन की एज का क्या हो जाएगा, थ्री टाइम्स हो जाएगा. कब जैकब का एज सन के एज के थ्री टाइम्स हो जाएगा, पांच वर्ष बाद. फाइव ईयर सेंस का मतलब पांच वर्ष बाद. अब आगे क्या कर रखा है, फाइव ईयर्स एगो, पांच वर्ष पहले जैकब एज वाज सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकब का जो एज था वो उसके सन के एज का सेवन टाइम्स था. किसका एज, जैकब का एज. कब, पांच वर्ष पहले. तो पांच वर्ष पहले जो जैकब का एज था वो सन के एज का सात गुना था. तो उनका प्रेजेंट एज बताना है, उनकी वर्तमान आयु बतानी है. क्वेश्चन समझ में आ गया. पांच वर्ष बाद जैकब की आयु जो होगी सन की आयु की तीन गुनी होगी, और पांच वर्ष पहले जो जैकब की आयु था वो सन की आयु की सात गुनी थी. तो दोनों की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करनी है. क्लियर है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. देखिए हम लोग मान लेते हैं दोनों का वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज है दोनों का वो एक्स और वाई लेट कर लेते हैं. तो लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड सन विल बी, सॉरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड सन बी एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स, वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली. एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, क्या लिखना है हमको, माना जैकब, जैकब तथा पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्रमशः, क्रमशः एक्स वर्ष तथा वाई वर्ष है. ठीक है ना, एक्स वर्ष तथा वाई वर्ष है. अब क्या लिखेंगे, अब देखिए जो कंडीशन बोल रखा है फाइव ईयर्स हेंस, क्या लिखेंगे यहां पर, फाइव ईयर्स हेंस, फाइव ईयर्स हेंस. तो फाइव ईयर्स हेंस का मतलब क्या होगा, पांच वर्ष बाद. ठीक है ना, पांच वर्ष बाद. तो पांच वर्ष बाद देखो, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा. तो पांच वर्ष बाद जो जैकब एज होगा, जैकब्स, जैकब्स एज विल बी अभी जैकब की एज क्या है, एक्स वर्ष है, यानी एक्स ईयर्स है. और पांच वर्ष बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव. तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव ईयर्स. ठीक है ना. अब क्या हो जाएगा, और सन की एज, सन से एज, सन से एज विल बी वाई प्लस फाइव ईयर्स, वाई प्लस फाइव ईयर्स. ठीक है ना. अब क्या कह रखा है, पहले केस में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रखा है कि पांच वर्ष बाद जो जैकब की एज होगी वो सन की एज की क्या होगी, थ्री टाइम्स होगी. यानी पांच वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी, ध्यान समझिएगा, जो जैकब की आयु होगी वो सन की आयु की, सन की यानी पुत्र की आयु की कितनी होगी, थ्री टाइम्स यानी तीन गुनी होगी. तो ये देखो तीन गुनी हो गई. क्या था कि पांच वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी वो पुत्र की आयु की तीन गुनी होगी. बस क्लियर है, ठीक है ना. तो x प्लस फाइव इक्वल टू थ्री वाई प्लस फिफ्टीन हो गया, तीन और तीन पचे पंद्रह. अब क्या हो जाएगा, x माइनस तीन वाई इक्वल टू, पंद्रह में से पांच गया दस आ जाएगा,
ये बन गया आपका पहला समीकरण, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रखा है, आगे कह रखा है, देखिए आगे बोल रखा है फाइव ईयर्स एगो चलते हैं हम लोग, तो फाइव ईयर्स एगो मतलब क्या हो गया, पांच वर्ष पहले। अब पांच वर्ष पहले हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, तो पांच वर्ष पहले, तो एक बात बताइए, पांच वर्ष पहले जैकब्स की एज क्या थी, जैकब्स एज वाज एक्स माइनस फाइव, क्योंकि पांच वर्ष पहले जा रहे हैं तो एक्स माइनस फाइव ईयर्स, ठीक है ना। और सन्स एज वाज वाई माइनस फाइव ईयर्स, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन दे रखा है जैकब, क्या बोला गया है, बोला गया है कि पांच वर्ष पहले जैकब की जो एज थी ना वो सन की एज की 7 times थी। वो ध्यान समझिएगा, पांच वर्ष पहले जैकब का जो एज होगा वो सन की एज, ये सन का एज, सन के एज का 7 times होगा, देखो 7 गुना होगा, ठीक है ना। पांच वर्ष पहले जो जैकब का वो आयु होगी वो सन की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, हो गया खत्म बात। अब देखिए एक्स माइनस फाइव 7y 7 × 35 माइनस 35 हो गया ना, ये माइनस क्या हो गया 35 हो गया। यहीं से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, x इज्कवल टू 7y, ये 5 जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और 35 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। चलिए देखिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो ये प्लस 5 हो गया, एक्स इज्कवल टू 7y, और 35 में से 5 का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो माइनस 30 हो गया, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड आप बना सकते हो, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो पहले लीनियर इक्वेशन बना लो, लीनियर इक्वेशन आप बना सकते हो, x माइनस इधर जाएगा माइनस 7y, और ये कितना आ जाएगा 35 में से 5 गया माइनस 30, ठीक है ना, ये हो गया लीनियर इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो क्या हो जाएगा माइनस 30, और ये माइनस 7y है इधर आएगा तो प्लस 7y हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बना ले, इसको मान लेते हैं ये क्या है, इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करिएगा, x का मान किस में रखिएगा, पहले समीकरण में। देखिए आपको इतने शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ये आपको लिखना है। तो चलिए एक्स की वैल्यू एक में रख दीजिए, तो x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 30 प्लस 7y, और फिर माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 7 में से 3 गया 4y, और 10 माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस 30, ठीक है ना। तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10, y इक्वल टू कितना हो गया 10, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करोगे आप, अब y की वैल्यू पुट कर दोगे थर्ड इक्वेशन में, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो रख दीजिए, तो x बराबर माइनस 30 और प्लस 7 × 10, y की जगह 10 रखोगे तो माइनस 30 और प्लस 70, और x बराबर 70 में से 30 गया 40, x बराबर क्या हो गया 40, अतः हेंस जैकब्स प्रेजेंट एज विल बी 40 years, क्योंकि x किसके एज को माने हैं, जैकब के एज को, तो जैकब्स प्रेजेंट एज विल बी 40 years, एंड सन्स प्रेजेंट एज विल बी 10 years, क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम माने, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी,
पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.3 ओवर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।